वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज कुछ अच्छा सुनते हैं। चलिए, आप जो कुछ भी काम करते हैं, चाहे हाउसवाइफ हो या टीचर हो या कोई रिक्शा वाले हो या जूता सीते हो या हॉकर हो, कुछ भी हो, आप अपने काम को लेके हमेशा प्राउड फील कीजिए और अपना काम से खुश रहने का कोशिश कीजिए। अगर आप हाउसवाइफ हो तो आपको लगता है बस मैं घर में रहती हूँ, खाना बनाती हूँ, मेरे तो कोई काम ही नहीं है, मेरा कोई इज्जत ही नहीं, ये रॉन्ग है। वो आपका ड्यूटी है, आप बहुत अच्छा से निभाइए और खुशी खुशी कीजिए, देखिए उसी में मज़ा है। कोई भी दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं कि छोटा है। आप जो कुछ भी करते हैं मेहनत से कीजिए और दिल से कीजिए। चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं, मैं एक स्टोरी सुनते हैं। एक गाँव में एक इंसान थे, वो पत्थर तोड़ते थे और पहाड़ काट के पत्थर निकालते थे, वही उनका काम था। वो अपने काम में खुश नहीं होते थे, बहुत कम उनको पैसा मिलता था। उनका छोटा सा एक परिवार था, दो बेटी, वाइफ, वो गांव में रहते थे। अपना काम से खुश ना होने का वजह से वो रोज़ दुखी दुखी काम पे जाते थे और दुख भरा चेहरा लेके घर वापस आते थे। ऐसे करते करते वक्त दिन बीतता गया। एक दिन क्या हुआ, वो काम से वापस आ रहा था, आते आते एक बहुत सुंदर सा घर देखा, घर का नीचे एक गाड़ी देखा, तो उसका मन में ये हुआ, काश ये घर मेरा होता, काश ये गाड़ी मेरा होता, काश ऐसा एक मकान सुंदर सा मेरे होते। ऐसे सोचते सोचते उन्होंने घर आया। घर आने के बाद बीवी ने उसे खाना दिया, खाना खाया, लेकिन खाना तो वो खा रहे थे, उनका दिमाग में कुछ और ही बात चल रहा था। खाना खाने के बाद वो सो गए। सोने के बाद वो वही बात को सोचते रहे, काश ये घर मेरा हो जाता। ऐसे सोचते सोचते वो घर का मालिक वो बन गए। जब वो घर में वो आए, बहुत खुश हो गए, यही तो मैं चाहता था, बहुत ज़्यादा खुश। कुछ देर बाद देखा बाहर में कुछ जोरों शोरों से शोर हो रहा। बाहर निकाल के देखा बहुत भीड़ जमा हुआ है और उस भीड़ में से एक आदमी अपना हाथ हिला रहा है। काला चश्मा में वो देखा, ये कौन है जिनके पीछे इतना आदमी और इन्हें इतना मानता है, इनका इतना सम्मान है, इतना सबको इन्हें इज्जत दे रहा है, ये है कौन? तो एक व्यक्ति से वहाँ पूछा कि भाई ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। तो उसने कहा अरे मैं तो इससे छोटा हूँ, मुझे ये बनना था। जैसे उसने सोचा तो वो पॉलिटिशियन बन गए। वो बनने का बाद एक जगह से दूसरे जगह घूमने लगे। घूमते घूमते वो थक गए, धूप पसीना से, वो इतना गर्मी, कुछ कहने का नहीं। तो वो सोचने लगा मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो ये सूरज है, ये कुछ भी कर सकता है। तो वो सूरज बन गए। सूरज बनने का साथ साथ वो सोचने लगे अब मेरा जैसा पावर तो किसी का पास नहीं है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा सोचने लगा वो। सोचते सोचते कभी ताप बढ़ाता है कभी कमाता है, ऐसे कर रहे थे। अचानक से बादल आया और सूरज को ढक दिया। वो फिर गुस्सा हो गया, मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई है इस दुनिया में? तो वो बादल है, अगर काश मैं बादल बन जाता। तो वो फिर बादल बन गए। बादल बनने का बाद वो कभी बरसते हैं, कभी गरजते हैं, कभी यहाँ से वहाँ चलते हैं। वो बहुत खुश थे कि आज आप तो मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, सबसे अमीर हूँ, सबसे बड़ा हूँ, ये सोचने लगा। तब एक हवा का झोंका आया और उस बादल को वहाँ से हटा दिया। तो कहा मुझसे भी ज़्यादा बड़ा कोई है, वो है हवा, तो मुझे हवा बनना चाहिए था। वैसे ही वो हवा बन गए। हवा बनने का साथ साथ वो लहराने लगे, कभी धीमे धीमे, कभी जोरों से। ऐसे करते करते वो एक पर्वत से टकराए। जब एक पहाड़ का पास जाके वो टकराए तो पहाड़ ने उस हवा का रुख को मोड़ दिया। वो सोचने लगा इस पहाड़ में इतना दम कि मेरा हवा को दूसरा रुख कर दिया। बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगा मुझे तो ये पहाड़ बनना चाहिए। कहते कहते वो पहाड़ बन गए। कुछ देर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि आप हमसे ज़्यादा शक्तिशाली
कोई नहीं है, हमें कोई नहीं हरा सकता है। हम दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान बन गए, सबसे शक्तिशाली बन गए। ऐसे सोचते लगा, सोचते सोचते कुछ देर बाद उसका पूरा शरीर में दर्द होने लगा। वो सोचने लगा, क्यों मुझे इतना दर्द होने लगा? तब देखने लगा, एक आदमी आके उस पहाड़ को तोड़ रहा है, उनमें से पत्थर निकाल रहा है। तो वो ये सोचने लगा, इस आदमी का इतना दम कि ये मुझे तकलीफ दे रहा है, काश मैं ये बन जाता। पर वो आदमी नहीं बन पा रहा था, वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन वो नहीं बन पा रहा था। अचानक से उन्होंने आँख खुला और शीशे का पास गया और देखा, ये तो एक सपना था। और अपने सोचने लगा, ये सपना नहीं, ये एक सीख था, ये हकीकत था। जो मैं हूँ मुझे उसी में खुश रहना चाहिए। अगर मैं दूसरा को देख कर वो बनना चाहूँ तो ये खुशी नहीं होता है। आई होप सो मेरी स्टोरी से आपको कुछ सीख मिली होगी। इसीलिए आप जो कोई भी हो, जो कुछ भी हो, उसमें खुश रहिए। और वो आदमी दूसरा दिन मुस्कुरा के अपना काम पे गया और वो काम को अपने आप से लगा लिया। अगर आप कोई भी काम मन से कीजिएगा तो आप ज़रूर आगे बढ़िएगा। इसीलिए कोई काम को छोटा मत कीजिए और अपना दिल को भी छोटा मत कीजिए कि मुझे ये बनना चाहिए था, अगर मैं ऐसा होता, अगर मेरे पास ऐसा चीज़ होता। कभी अपने दिल को छोटा नहीं करना चाहिए, जो है उसी में खुश रहिए। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू स्टोरी का साथ।